नहीं घर। ठीक है, देखो कि टूर्नामेंट के बाद तो ये हो गई है मेरी पैकिंग कंप्लीट। ठीक है, अपन निकलने वाले हैं बड़ोदरा से, तो पहले यहाँ से बस लेनी है, फिर चलते हैं। ठीक है, तो आगे आपको दिखाते हैं बस स्टैंड पे। और ये ले लिया अपने खाने के पीने के लिए सामान। बस का टाइमिंग कुछ ऐसा 3 साढ़े 3, कितने बजे का, 3-4 बजे तक बड़ोदरा पहुँचा देगी। तो अभी बस 11-12 बजे अभी हम बस में बैठ गए हैं, बस मिल गई है। बस हमें बड़ोदरा की नहीं, भरूच की मिली है, तो हम भरूच जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना मेरी अपनी बस। गाइस हम पहुंच चुके हैं भरूच स्टेशन, क्योंकि हमें बड़ोदरा से तो मिली नहीं, हमें मिली भरूच से बस। ठीक है, बड़ोदरा से कोई इशू चल रहा था, इसकी वजह से नहीं मिली, बट अभी पहुंच गए। अब यहां से अभी 2 घंटे लगेंगे ट्रेन को आने में, तो 2 घंटे देखो क्या करते हैं अपन, कुछ खा लेंगे थोड़ी अपना टाइम पास। गाइस तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, गाइस हम पहुंच चुके हैं दिल्ली। मेरे साथ दिव्यांशु और मैं। ठंड का कोहराम काफ़ी तेज, जैकेट उसके नीचे जैकेट उसके नीचे टी शर्ट, तो 3 दिन कपड़े हो गए और गुजरात में एक भी नहीं। ठीक है, तो अभी लेते हैं टिकट, सीधे पहुंचते हैं अपने घर। ठीक है, ठंड बहुत तकलीफ, बहुत नेक्स्ट लेवल। मैं लिटपट गया। तो गाइस फाइनली हम जाऊँ विदिन स्टेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी मेट्रो आने वाली है इस जगह पे, और ये ऐसा कुछ व्यू। और यहाँ से हम जाने वाले हैं सेक्टर 52, अपने घर से मतलब 3-4 किलोमीटर पहले जहाँ मेट्रो बंद होती है, हम वहाँ पे पहुँचेंगे, तो वहाँ से फिर हम अपने घर पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मैं आपको आगे दिखाता रहूँगा।
पहुंच चुके हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा ग्रेटर नोएडा, ठीक है। और अब चलते हैं अपने घर। और ठंड का लेवल यार कुछ ज़्यादा ही हाई हो रहा है इधर, ऐसा कर दिया जैसे जम्मू कश्मीर। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर, और घर मैं जैसा कि बता रहा था बहुत ज़्यादा ठंड है, तो देख सकते हो यहाँ पे आग जल रही है। अरे हमारी मम्मी, हाय गाइस, मम्मी गाइस गाइस राधे राधे श्री कृष्णा, ठीक है। तो जैसा कि गुजरात में ठंड नहीं पड़ती है, यहाँ पे नॉर्थ में अपने बहुत ठंड पड़ती है, ठीक है। वहाँ पर मैं कच्चे टी शर्ट में घूम रहा हूँ, और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भाई यहाँ पे बिना आग के नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही इंजॉय करते हैं अपना।